हेलो दोस्त, एक बार फिर मौका रेलवे एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा देने वाले के लिए। करेक्शन अवेलेबल फॉर 28 दिसंबर टू 25 दिसंबर 2018। तो यहाँ कुछ लोगों का सवाल आएगा, ये करेक्शन किसके लिए है। तो सबसे पहले लोग पूछेंगे कि क्या आरआरबी चेंज हो सकता है, तो नहीं हो सकता। ये करेक्शन वाली फी के रिगार्डिंग है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी की वेबसाइट पे आ गया है। 17 तारीख तक आपको एसएमएस द्वारा भेजा जाएगा और 18 से 25 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। मौका एक बार और दिया गया है और कह सकते हैं इसको फिर लिखा है फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट एएलपी सीबीटी और एएलपी टेक्नीशियन परीक्षार्थी सीबीटी 2 के रिगार्डिंग नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं है क्या। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो अभी हम आरआरबी कोलकाता के वेबसाइट पे हैं, तो देख सकते हैं इसमें हम थोड़ी सी नीचे आएंगे तो जिसमें यहाँ पे क्लिक को देख सकते हैं, नोटिस फॉर 1/2/18 दोनों के रिगार्डिंग है। तो हम इसे क्लिक कर देते हैं तो एक नया सा पेज खुलेगा जिसपे आज का डेट देख सकते हैं 12/12/2018 और इसमें है नोटिस ऑन रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी, उसके रिगार्डिंग है। और आप इसे क्लिक करेंगे तो एक रिफंड के लिए जो डाउनलोड है वो आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसे खोल लेता हूँ, ओपन कर देता हूँ आपके लिए। तो ओपन करने के बाद एक इस टाइप से खुलेगा आपका और ये ऑफिशियल है। मैं ट्विटर हैंडल वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ और ये एएलपी के रिगार्डिंग है, सॉरी, और रिफंड फॉर एग्जामिनेशन फीस में है। तो यहाँ ये कहा गया है कि कुछ लोगों का एग्जाम भेज दिया गया, फी कैंडिडेट को भेजा जा रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द रिफंड बहुत से लोगों का ऐसा हो रहा है जिनका रिफंड फेल हो जा रहा है, मतलब अकाउंट में नहीं जा रहा है, जिसके कारण से इनकरेक्ट बैंक डिटेल और एक रॉन्ग अकाउंट नंबर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और IFSC सबसे बड़ी चीज़ है। लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया है, IFSC कोड जो बैंक का होता है वो मिसमैच कर रहा है उस अकाउंट से, जिसके कारण से रिफंड नहीं हो रहा है। तो कितना रिफंड हो रहा है वो 200-250 रुपये किसी का रिफंड हो रहा है, किसी का 400 रुपये हो रहा है, जिसका जिस तरह से है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कितना रिफंड हो रहा है। लेकिन रेलवे ने बोला था कि 500 रुपये में से हम 100 रुपये रख के बाकी हम रिफंड कर देंगे जो एग्जामिनेशन का है। तो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, एग्जैक्ट यहाँ बात करना है हमारा कि इसके लिए प्रोसेस क्या है। तो रेलवे जिनका जिनका रिफंड फेल हुआ है उनको 17 तारीख तक एसएमएस से इन्फॉर्म कर देगा और उसके बाद 18 तारीख से, ध्यान दीजिएगा, 18/12/2018 से 25/12/2018 तक आपको एक बार फाइनल अपॉर्चुनिटी और दिया जा रहा है, एक बार और मौका दिया जा रहा है, जिसे देख सकते हैं फाइनल अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है। क्या क्या डिटेल में चेंज कर सकते हैं, फिलिंग अप बैंक इंफॉर्मेशन, इंश्योर ए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड इज करेक्ट, इसके बारे में आपको फाइनल मौका है, एक बार आप कर सकते हैं। और इसके बाद कर रहा है, प्लीज नोट दैट दिस इज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देयर फॉर एडवाइस टू फिनिश करेक्ट बैंक डिटेल। तो इतनी करने के बाद भी बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो रेलवे ने बोला है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद फी का रिफंड नहीं किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था, केवल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, धन्यवाद।